हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिन बाद आप सबों के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर के आया हूं। तो अभी आप सभी लोग इस चीज़ को सुनिएगा कि इवन मैं आपका बहुत कुछ बताऊंगा, आपका 2024 का जितने भी सारा डिटेल है मैं हर चीज़ आप लोग के सामने साझा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बहुत जो झारखंड के लड़के हैं वो लोग सबसे पहले कि उत्पाद सिपाही कब दौड़ होगा, झारखंड पुलिस का कब होगा, JCC CGL कब होगा, ये सारा कुछ आपका और इवन के रेलवे RPF SI मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा। और अभी एक फॉर्म आया हुआ है आपका CAPF का, मतलब जो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का, BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल, ये सब का भी, मतलब जो क्लर्क वाली पोस्ट है, हेड कॉन्स्टेबल जो है उनका भी फॉर्म आया हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा उनका भी आपको जानकारी दूँ। तो सबसे पहले मैं झारखंड पुलिस का आपको बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले कि ऐसे नहीं मैं अचानक बोल दिया कि नहीं इस डेट से रनिंग है, ये है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। अब आप मेरा वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, इवन मेरा कोई भी जानकारी देखिएगा, एक भी मैं सभी जानकारी ऑथेंटिक देता हूँ। ऐसा नहीं कि अचानक बोल दिया कि तब से रनिंग है जुलाई से, जून से पेपर कटिंग ला के, ऐसे नहीं मैं बताऊँगा, सबको 100% बताऊँगा। अभी जो बैठक हुई थी आपके चंपा सोरेन की, तो उसमें कहा यह गया है कि आपका एक्साइज कॉन्स्टेबल, मतलब झारखंड पुलिस का जो है ना, जो फॉर्म डलाया है उसका रनिंग काफ़ी का कोई प्रावधान नहीं है, 1% का प्रावधान नहीं है। क्यों, मैं उसका भी रीज़न दूंगा क्यों किस चीज़ का। अब बात आया था एक्साइज कॉन्स्टेबल का, उत्पाद सिपाही का, जो महानिदेशक था उसने कहा कि हम एक्साइज कॉन्स्टेबल का हम रनिंग एग्जाम ले, मतलब रनिंग लेंगे, तो रनिंग लेंगे, बस इतना कहा। उतना मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल ये अब से होगा देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी आपको ये नहीं बोलता था या फिर मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि मैंने अगर कभी ऐसा कहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका जो चुनाव विधानसभा का चुनाव है आपका 2 नवंबर जा रहा है, ठीक है। अगर अभी भी झारखंड पुलिस को लेके अगर आप थोड़ा बहुत रनिंग कर सकते हैं तो कीजिए, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं, आप 1% घाटा में नहीं जाइएगा, मैं बता रहा हूँ, आप 1% घाटा में नहीं जाइएगा। आप मेरा बात को ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अभी आप हल्का फुल्का 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप दौड़ना स्टार्ट कर सकते हैं अभी, मैं बता रहा हूँ। अगर एक्साइज कॉन्स्टेबल होगा भी ना, मान के चलते हैं लोग जुलाई में उसका जो बोला है कि नहीं जुलाई में वो लोग भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करेगा, क्योंकि झारखंड पुलिस का अभी इस वजह से थोड़ा दिक्कत, इस वजह से क्योंकि उसका शायद जहाँ तक उसका स्क्रूटनी भी नहीं हुआ है शायद झारखंड पुलिस का कि कितना फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कितना एक्सेप्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ। खैर वो अगर हो भी गया हो तो फिर भी तो लगभग अगर मान के चलिए 20 लाख फॉर्म डलाया है, मान के चलिए 2-3 लाख या फिर भी तो 15 लाख बच रहे हैं, तो 15 लाख का दौड़ कराना पॉसिबल है क्या, ये नहीं है, समझ रहे ना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर मतलब आप, हाँ, उत्पाद सिपाही का जितना भी बंदे हैं आप लोग आराम से थोड़ा बहुत अभी दौड़ का स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आप अपना फिजिकल को देख सकते हैं और ये चीज़ कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि 588 उत्पाद सिपाही का फॉर्म था तो आप वैसे ईजिली ले सकते हैं और रनिंग को कर सकते हैं, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाइएगा। यह रहा उत्पाद सिपाही का, फिजिकल को लेके मैंने आपको बता दिया। झारखंड पुलिस का तो आपको पता ही है कि थोड़ा उसका लेट है, तो आप उत्पाद सिपाही को टारगेट करके आप इसको, मतलब झारखंड पुलिस को देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप अभी घाटा में इस वजह से भी नहीं रहिएगा, रनिंग कीजिएगा तो, क्योंकि जितने भी 10th पास हैं वो लोग तो RPF का फॉर्म डाला होगा, क्योंकि जो झारखंड पुलिस का हाइट लगभग 160 है, अब देखिए बहुत कोई का RPF का तो 165 हाइट होता है, तो मैक्सिमम बंदे तो RPF का भी फॉर्म डाले होंगे, तो इस वजह से भी आप घाटा में नहीं पड़िएगा। और जो ग्रेजुएट वाले बंदे हैं वो लोग तो RPF SI का भी फॉर्म डाला होगा, तो आप लोग इस वजह से भी घाटे में नहीं जाइएगा। बहुत कोई CPO का फॉर्म डाला होगा, तो एक तरीके से 24 का सेशन जो है रनिंग में गुजरने वाला है,
तो अगर फिर आपका ये अभी आया ना CAPF का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का, इसमें भी तो रनिंग चाहिए आपको 1.6 किलोमीटर आपका 6.5 मिनट में। तो आप अगर दौड़ते हैं तो आप घाटा में नहीं जाइएगा, आप बढ़िया रहिएगा, मैं बता रहा हूँ। आप मेरा बात को मानिए और अभी तैयारी कीजिए, आप रनिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक से कीजिए, बढ़िया से कीजिए। और ऐसे भी बात नहीं, अगर 1 महीना भी है ना, बोलता है बहुत कोई, नहीं 8 महीना 6 महीना बता रहा हूँ, जिसको सिलेक्शन लेना है बंदे 1 महीना में भी ले लेते हैं, 1 महीना में भी दौड़ दौड़ का प्रैक्टिस करके आप ले सकते हैं। इवन जो बंदा होता है कि 25 दिन में भी बना सकता है स्टेमिना, क्यों नहीं बना सकता है? अब इसलिए भी नहीं बना, इसलिए बना सकता है क्योंकि 3 टाइम दौड़ेगा, सुबह दोपहर शाम, तो फिर कैसे नहीं हो सकता? आप एक दिन में देखिए, एक दिन में आप 3 गुना लेके चलिएगा, समझ रहे ना आप? दूसरा दिन ऐसा होता है कि आप एक दिन में एक ही बार दौड़ते थे, अभी आप 3 बार दौड़िएगा, मतलब 25 से 75, मतलब लगभग आप 3 महीना कवर कर रहे हैं। तो फिर बनाने का तो 20 दिन में बनाया जा सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है, वो ऊपर सब कोई के ऊपर होता है। लेकिन मैं एक जेन्युइन नॉर्मल बंदा के बात कर रहा हूँ जो कभी दौड़ा नहीं है, वो आराम से 1.5 2 महीना में रनिंग बना सकता है अगर चाहेगा तो। हमारे पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो आप इस बात को समझें और इसी को करें। और RPF का हुआ, RPF SI का हुआ, इसका तो एग्ज़ाम होना ही है आपका, और SSC का, तो SSC में तो बस आपका, और बात आता है जी SSC GD का। अब इस वजह से भी मतलब आपका रनिंग बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि अभी के SSC GD 2025 का नोटिफिकेशन कुछ दिन में आने वाला है, तो आप उस बात को थोड़ा समझिए और आप लोग दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ अब डीपली थोड़ा, मैं सब ये तो मैं ऊपर ऊपर में बता ही दिया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अभी कि आपका फिजिकल जो है RPF SI झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही तीनों में है, RPF SI CPO RPF कांस्टेबल हर में है। तो मैं बता रहा हूँ इसमें से मैं पांच आपको जो बताया, RPF SI RPF कांस्टेबल झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही SSC CPO ले लीजिए जो दिल्ली पुलिस SI बनते हैं, और अभी जो चल रहा है आपका CAPF जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का, ये 6 में, ये जो 6 है ये 6 में आपका RPF SI और RPF कांस्टेबल का, पहले 6 नहीं और एक आपका 7 SSC GD 2025 का ले रहे हैं, ठीक है? 2025 के लिए जो होंगे, तो नोटिफिकेशन तो 24 में आएगा, 7 7 चीज़ हुआ, 7 से 7 चीज़ का फिजिकल में झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और वो जो आपका ये CAPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और आपका, हाँ ये तीन में आपका फिजिकल पहले होगा, ठीक है? फिजिकल पहले होगा मतलब रनिंग पहले होगा, और RPF कांस्टेबल RPF SI और SSC GD ये सब में आपका रिटर्न पहले होगा। तो आप, आपको दोनों में आपका तैयारी बहुत तगड़ा होना चाहिए, समझ रहे? जिसमें रनिंग पहले होगा उसमें आपको थोड़ा कटअप कम देखने मिल सकता है, रनिंग जिसमें बिल्कुल मतलब नहीं, रनिंग जिसमें क्या बोलूँगा, रनिंग जिसमें नहीं होगा मतलब रनिंग सॉरी रनिंग जिसमें पहले होगा उसमें थोड़ा कटअप आपको कम देखने मिल सकता है। इस वजह से आपका ये रनिंग बहुत ज़रूरी है, रनिंग तो करना तो आपको बहुत नेसेसरी है और बहुत ही ज़रूरी है। तो आप थोड़ा इस बात को समझें और अपना प्रिपरेशन करें बढ़िया से, अच्छा से, और तैयारी में लगें। और ये रहा मोटा मोटा जानकारी। और CAPF का जो आप फॉर्म डालिएगा उस समय आपका, आप लोग फॉर्म अच्छा तो डालिएगा, फॉर्म फिलअप ठीक से कीजिएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग में भी ध्यान देना है क्योंकि उसमें टाइपिंग है। उसके बाद SSC GD का जो आता है आपका, उसमें रनिंग है 5 किलोमीटर, तो सारा खेल रनिंग का है, मतलब रनिंग आपका ठीक ठाक है, अगर बढ़िया है रनिंग तो बहुत बढ़िया बात है और बहुत बढ़िया चीज़ है। यूट्यूब में देखिए मेरे सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा है नहीं कि आप मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर कर रहे होंगे, लेकिन जो बंदे ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे बात में, आप मानिए, आपका अगर आप रनिंग अभी से स्टार्ट करते हैं तो आपका 2024वां साल बेकार नहीं जाएगा, आप मेरे इस बात को मानिए। और
एक बात बता रहा हूँ, अगर आप रनिंग करते हैं, रनिंग कर रहे हैं ठीक है, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, पढ़ाई का तो नहीं बोलूँगा, रनिंग कर रहे हैं, और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका टाइपिंग ऐसा बात नहीं है कि आपका CAPF में ही ये जो हेड कॉन्स्टेबल निकला उसमें काम आएगा। इवन आप SSC CGL दीजिएगा उसमें भी तो टाइपिंग क्वालिफाई चाहिए, CHSL में तो टाइपिंग ज़रूरी है। तो टाइपिंग हुआ प्लस रनिंग हुआ, ये दो चीज़ अगर रखते हैं तो फिर आप मात नहीं खाइएगा। आप मेरे बात को समझिए, ये चीज़ है। तो थोड़ा मेरे बात को आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए। मैंने तो मोटा ही मोटा मोटा मोटी हर चीज़ आप सभी को बता ही दिया। अभी NTPC आने वाला है, CGL का नोटिफिकेशन कल परसों आने वाला है, तो और झारखंड पुलिस का तो आपका सब चीज़ हो ही चुका है, बस अभी फिजिकल का डेट का इंतज़ार है हर कोई को। तो आप लोग और ये सब मैं बता रहा हूँ कि चलिए ये सब का मैं आपको थोड़ा फिजिकल का डिटेल बता ही दे रहा हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। फिजिकल डिटेल में दोस्तों, जो हेड कांस्टेबल जो मिनिस्टर होता है उसमें आपका पहले फिजिकल जो होता है उसमें आपका सेंटर लगता है, समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सोच समझ कर डालिएगा कि आपके सिटी में, आपके जैसे कि मान के चलिए कोई रांची से, झारखंड से, तो झारखंड से मान के चलिए आप, क्योंकि इस बार जो CAPF का फॉर्म है वो बस BSF ही ले रहा है। BSF मतलब देखिए, CAPF में आता है आपका असम राइफल, SSB, CRPF, BSF, CISF, ITPP, 6-7 फोर्स आता है। ये सातों का काम BSF ही कर रहा है इस बार।